अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। ये है सैटरडे और नाश्ते में हम खा रहे हैं पराठे और किडनी बीन्स, जो कि शहजाद ने फ्राइडे की शाम में अचानक से बना दिए। सो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वो हर बार किडनी बीन्स ही बनाते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने जो बर्तन थोड़े से इकट्ठे हुए थे वो मैंने जल्दी से वॉश कर दिए। उसके बाद फिर मैं आके फ्रेशन अप हुई और मैंने आज तिहामी को नहीं पढ़ाना था क्योंकि मैंने फ्राइडे को ही उसको मंडे के पेपर की तैयारी करवा दी हुई थी। तो बस मेरा प्लान था कि संडे की शाम में बस रिविजन करवा दूँगी। अभी इस वक्त शहजाद उसको पढ़ाने बैठ गए थे मैथ्स एंड अरबिक, तो बस मैं फ्री थी, मैंने सोचा चलें जी किचन में चलते हैं। खाना बनाने से पहले मैं किचन के सारे काम कर लेती हूँ ताकि पूरा किचन मेरे लिए रेडी हो, फिर खाना बनाने में ना मुश्किल नहीं होती है। फिश के लिए मैंने ड्राई स्पाइसेस इकट्ठी करके रख ली हैं, फिश डिफ्रॉस्ट हो जाएगी तो मैं उसमें डाल दूंगी। ये मैंने लिया है नमक और ये है हल्दी पाउडर। 1 kg फिश के लिए होगा 1 teaspoon हल्दी पाउडर, और ये जो रेड चिली पाउडर है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लें, मैंने 1 teaspoon डाला है। और उसके अलावा ये है गर्म मसाला, ये आपने लेना है 1 tablespoon, और ये ज़ीरा पाउडर भी 1 tablespoon, ये वाला ये फुल टेबल स्पून, ठीक है। और उसके अलावा ये फिर धनिया पाउडर है, ये आएगा 1.5 tablespoon, ओके 1 kg फिश के लिए। और ये है पेपरिका पाउडर, ये भी 1 tablespoon। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसकी जगह लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, वो डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके इसके अंदर मैं अब योगर्ट डाल रही हूँ, साथ में जिंजर और गार्लिक मैंने ग्रेट किया हुआ है वो ऐड कर दूंगी। और हमने ये जो बनाने ना मैरिनेशन, ये थिक सी बनानी है ताकि अच्छी तरह से फिश के ऊपर कोट हो जाए, तो सो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा योगर्ट डाल के फिर देख रही हूँ कितना सा मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत थिक सी पेस्ट बनानी है। लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर रेड फूड कलर, अपनी मर्जी से जितना आपने डालना है डाल लें, लिक्विड भी डाल सकता है, पाउडर भी डाल सकता है, इससे फिश टिक्का का कलर बहुत प्यारा आएगा। यहाँ पे जनाब हो रही है छोटी सी शिफ्टिंग क्योंकि ये जो एयर फ्रायर है ना, इस बार रमजान के बाद मैंने इसको पैक नहीं किया कि ताकि मैं इसको यूज कर सकूं, लेकिन क्या हो रहा है कि यूज में बिल्कुल नहीं आ रहा और इसने स्पेस ली हुई है, तो मैंने इसे चुप करके रखा है अंदर और वहां से मैंने ब्लेंडर निकाल लिया है। फिश के मैंने पीसेस बना लिए थे और अच्छी तरह से इसका पानी सारा ड्रेन हो गया, तो मैं इसको मैरिनेट में ऐड कर रही हूँ और बस इस तरह मिक्स करके हम इसको रख देंगे आधे एक घंटे के लिए। मैरिनेशन कंप्लीट हो गया, पीटा ब्रेड बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है यीस्ट और साथ में मैं ये नीम गर्म पानी ले रही हूँ। केटल देख के आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि ये उबलता हुआ पानी है, ये नीम गर्म पानी है और इसके अंदर मैं यीस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। कोई चीनी नहीं डाली मैंने, कोई ऑयल नहीं डाला, बस यीस्ट है और पानी है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। बस ये 4 ingredients से ये पीटा ब्रेड बनेगी। आपने ध्यान रखना है कोई शुगर इसके अंदर नहीं जाएगी, फिर भी डबल हो जाएगा साइज में, ये एक्टिव ड्राई यीस्ट है, जो भी आपके पास नॉर्मल यीस्ट होता है ना वही है मेरे पास भी। यीस्ट के लिए शुगर जरूरी होती है लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं होती है, सो ये भी जिनको नहीं पता उनके लिए भी एक नई बात होगी कि शुगर के बगैर भी यीस्ट साइज में डबल कर देगा डो को। सो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, पानी और डालना हो तो आप डाल सकते हैं लेकिन ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। ये स्टिकी सी डो होती है, बिल्कुल आटे जैसी कंसिस्टेंसी आपने बनानी है, ठीक है। तो बस इसके बाद हम इसको बोल में डाल के बगैर कोई ऑयल लगाए रख देंगे और कवर करके जब तक ये साइज में डबल हो जाए। कभी कभी ना इतनी जल्दी होती है काम की, ये मैंने क्या किया है कि ये जो सारा कैमरा है ना इसके ऊपर मैदा वाला हाथ से बटन बंद कर दिया इसका। एक बार मैंने इसको कढ़ाई में भी गिरा दिया था, हम हायल में थे ना सऊदी अरब में, तो यूं करके खड़ा था कैमरा और इसका ना ये वाला जो स्टैंड है ये सही नहीं था, थोड़ा लूज था, तो मैंने नहीं नया लिया, टेंशन नहीं दी। तो जनाब एक दिन मैं कुकिंग करी, फ्राइंग करी थी कुछ, और जाके ये यूं ऑन था और सीधा जाके कढ़ाई में गिरा। उसके बाद थोड़ी देर तो ये चलता रहा, फिर इसने चलना बंद कर दिया। फिर अब जब हम यहाँ पे आए ना यूएई में, तो यहाँ पे कैनन का सर्विस सेंटर था, तो वहां पे हमने दिया, फिर ये ठीक हो गया दोबारा।
तो जनाब नौश के किचन में इस तरह के कारनामे भी हो चुके हैं, बहुत मजे मजे की फनी सी बातें होती हैं। अच्छा यहाँ पे ना बन रहा है मिल्कशेक, गर्मी हो और मिल्कशेक ना बन रहे हो घरों में, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हम देसियों के घरों में मिल्कशेक्स का तो यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मिल्कशेक और लस्सी, गर्मियों में इसका मजा ही और होता है। तो मैंने, मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं फ्रोजन, वो मैंने डाल दी हैं, और मैंगो मुझे यहाँ पे कोई अच्छे नहीं मिल रहे, पाकिस्तानी शॉप्स पे देखूंगी, शायद पाकिस्तान से आ गए हूँ। तो खैर जी मैंने मिल्क और शुगर डाल के मिल्कशेक बना लिया मैंने, शहजाद ने तो नहीं पीना था, बच्चों के लिए मैंने बना दिया। आज तो ब्लेंडर से रिलेटेड बहुत सारे काम थे, यही वजह है कि मैंने इसे निकाल के अब बाहर ही रख लिया, क्योंकि गर्मियों में ब्लेंडर बहुत यूज होता है। मेरे पास था वाटरमेलन, इसके अंदर मैंने पानी और शुगर डाल के तो इसका जूस बना लिया, और इसको मैं स्ट्रेन कर लूंगी। सिर्फ इतना सा निकला है, ये जो वेस्ट है इसमें सीड्स वगैरह, तो ये तो यूज नहीं हो सकता। मेरे पास एक जूसर है फिलिप्स का या कौन सा मुझे ब्रांड याद नहीं, लेकिन पिछले 3-4 ईयर्स है, और मैंने ना उसको पैक करके स्टोर में रख दिया हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी काफी टाइम पहले, और उसमें ये था कि जितने भी वाइटामिन होते हैं ना वो भी जूस में नहीं आ सकते हैं, ये जो आम जूसर्स वगैरह हम यूज करते हैं इसकी वजह से। तो जब आप जूस पी रहे हैं फ्रूट का और उसमें इतने सारे वाइटामिन ही नहीं है, तो सिर्फ आप लिक्विड ही पी रहे हैं, तो उससे बेहतर आप पानी पी लें। तो दूसरी बात ये कि इतना सारा वेस्ट बनता है उसके अंदर, वो सारा का सारा फाइबर होता है, तो फिर फ्रूट खाने का फायदा कि अगर आप फाइबर नहीं खा रहे, तो मैंने ना फिर इस वजह से उसको ज्यादा यूज ही कभी नहीं किया। अगर वैसे तो हम नॉर्मली वैसे ही फ्रूट खाते हैं, आपने देखा है, लेकिन अगर कोई जूस वगैरह बनाना पड़े तो फिर मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको स्ट्रेन कर लेना, ये हार्ड वर्किंग काम है, लेकिन मैं ये बेहतर समझ लेती हूँ बजाय इसके के सारे वाइटामिन भी गए, फाइबर भी गया, तो बस एक कलरफुल लिक्विड जो है वो मीठा सा वो आप पी रहे हैं। फाइनली जिंजर गार्लिक पेस्ट की भी बारी आ ही गई है। इस बार मैं दोनों को इकट्ठे ही ब्लेंड कर रही हूँ और इनके मैं क्यूब्स बना लूंगी, बस थोड़ा सा पानी डाला है और ब्लेंड कर लिए। नॉर्मली हर रेसिपी में दोनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे मेरे पास फ्रेश भी थोड़ा सा मैंने लेके हर वक्त रखा होता है, तो अगर कोई एक चाहिए होगा तो वो अलहदा से ग्रेट करके डालूंगी, नहीं तो हर चीज़ में दोनों ही डल रहे होते हैं। इसको मैं फ्रीज कर लूंगी, अब बाद में जिप लॉक बैग में ट्रांसफर कर दूंगी। ये देखें जी, यीस्ट ने अपना काम कर दिया है। अब मैं मैदा लगा के ना हाथ पे तो डो को डीफ्लेट कर रही हूँ। ऑयल हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैदा एक्स्ट्रा भी यूज़ हो जाएगा इसमें, सो फिकर आपने नहीं करनी है। अब इसके मैं ना 10 पोर्शंस बना लूँगी और 10 पेड़े बना लूँगी। बस इसको रोल करके जैसे डो बॉल होते हैं नॉर्मली बनाए जाते हैं, बस उस तरह हमने बना लेने हैं। अगर आप बड़ी पीटा ब्रेड बनाना चाहते हैं तो फिर आप 6 पेड़े बना सकते हैं। बहुत ही क्यूट से पेड़े लग रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ पिक्चर। इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज़ें अक्सर अब अपलोड करती रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ उस चीज़ को। अच्छा जी, ये जो डो बॉल्स हैं इनके हम इस तरह से रोटी बना लेंगे, और जो जितनी थिक रोटी बनाते हैं ना हम, उससे डबल थिक आप बस ये पीटा ब्रेड बेल लेंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा मैदा बिल्कुल यूज़ होगा, और मैं बस बना के ये रखती जा रही हूँ। और जो तवा की हीट है ना, ये ऐसे समझ लें मीडियम सा फ्लेम है, हाई फ्लेम पे नहीं कर रही और बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं कर रही। और अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जो अच्छी पीटा ब्रेड होती है वो साइज़ में हमेशा डबल होती है, और यही वजह है कि हम ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे, कई दफ़ा ऑयल जो है ना बहुत बड़ी हर्डल होता है। अच्छा ये देखें, मैंने पीटा ब्रेड डाली, बिल्कुल 1-2 बबल्स बनने शुरू हुए हैं इसके ऊपर, तो मैंने साइड चेंज कर दी है, और एक ही पीटा ब्रेड को अटेंशन दे रही हूँ, उतनी देर में दूसरे काम में नहीं कर रही हूँ। और बस इसके साइड पलटते जाएंगे फ्लैट चम्मच से, इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, तो ये देखें खुद ब खुद बाकी काम हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा मैदा है जो थोड़ा ब्राउन हो रहा है, उसको आप टिश्यू से या किसी कपड़े से वाइप कर दें, डस्ट ऑफ कर दें इस तरह, और बस नेक्स्ट हमने इसके ऊपर डाल दी है। बस इस तरह करके आपने प्रोसेस रिपीट करते जाना है, और जब भी आप इसको डालेंगे ना पीटा ब्रेड को, तो बस आपने सिर्फ वही काम करना है, बाकी काम आपने नहीं करने, नहीं तो क्या होता है कि एक साइड से एक्स्ट्रा जब पक जाएगी ना, फिर दूसरी साइड से उसको फूलने का मौका नहीं मिलेगा। और ये हो गया है जी एक हादसा। बस इस तरह से आपने प्रेस करना है हल्के हल्के हाथ से, दोनों साइड से प्रेस करते जाए। और ये देखें आपके सामने मैंने अनकट आपसे शेयर की है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सारी की सारी इस तरह फूल जाती। मेरा स्टोव टॉप बहुत ही फजूल लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ये मैदा इसका अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद बाकी कुकिंग करते हैं। तो मैंने ये पैन ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और फिश को मैं फ्राई कर लूंगी।
ये है जी हमारी शानदार किस्म की पीता ब्रेड। बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि आप ही पीता ब्रेड की रेसिपी दें। अब मैंने आपको रेसिपी दे दी है और अब आपने बनानी है और इंस्टाग्राम पे मुझसे स्टोरी शेयर करें ताकि मैं भी उसको अपनी स्टोरी में शेयर करूं। तो मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगता है आपकी रेसिपीज़ देख के जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं, अपने तरीके से डेकोरेट करते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, ये बहुत सॉफ्ट बनती है, ओपन एयर में पड़ी हुई है फिर भी बिल्कुल अकड़ी नहीं है और बहुत टेस्टी भी बनती है। और साथ में मैंने ये ज़्यादातर को ऑलिव ऑयल में डाल के रखा है, तो यहाँ पे अरब्स बड़े शौक से इस तरह खाते हैं। वैसे हमारे घर में ना खाना ठंडा करके खाना तो एक आम बात बन चुकी है, बस गेस्ट आते हैं तो उनको गरम गरम खाना मिलता है, हमें ठंडा ही मिलता है। अब मैंने पीटा ब्रेड सिर्फ इसलिए बनानी पड़ गई क्योंकि मुझे लग रहा था इन लोगों को भूख लगी हुई है, तो मैं मतलब डो डबल हो जाए तो आपको उसको कुक करना ही है अब, वरना तो वो बिल्कुल खट्टी सी हो जाएगी। तो वो मैंने बना ली और ये लोग कहते हैं अभी हमने नहीं खाना। अब जब इनको भूख लगी, फिश बनाई है मैंने, तो उस वक्त तक पीटा ब्रेड ठंडी हो चुकी है। खैर जी, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिया है मिंट और धनिया और इसको थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने उसकी पेस्ट बना ली है। थोड़ा सा नमक और जीरा भी आप डाल सकते हैं और यहाँ पे तिहामी को मैंने लगाया हुआ है थोड़ा सा पुदीना कूटने पे। तो यहाँ भी जनाब शुगर लग रहा था कि मैं तिहामी को मैंने जब बोला कि आपको मैंने ऐसे नहीं ये डिश खिलानी, मैं अच्छे से प्रेजेंट करूंगी आपके आगे और अच्छी सी आपको जो है ना फाइन डाइनिंग वाला एक्सपीरियंस दूंगी, तो बड़ा बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ और शहजाद आके खड़े हो गए ये कहने के लिए कि मेरे लिए तो करती नहीं हो, अपने बच्चों के लिए करती हो। तो तिहामी को फिर और खुशी हो रही थी, उसको और मजा आ रहा था। तो खैर, ये शुगर वगैरह चलता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शहजाद की वजह से बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। मैं तो ऑब्वियसली देती हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और वो मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन इसी एज में बच्चे इतनी जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। मैं ज़रा ज़्यादा काम कर रही हूँ तो दोनों बारी बारी आके कहेंगे बैठे हैं आप थक जाएंगी, बहुत अच्छा फील होता है। मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह कल को जब इनकी शादियाँ हों तो इनकी बीवियाँ भी बिल्कुल इसी तरह घर में अपने प्रिंसेस क्वीन बन के रहें और आई विल मेक श्योर कि उनकी लाइफ भी इसी तरह से इंशाल्लाह सुकून वाली हो और लाड प्यार वाली हो इंशाल्लाह। मेरे जो सारे बेटी के शौक हैं मैं अपनी बहुओं के साथ पूरे करूंगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ही आपको बेटी कमी नहीं फील होती। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो औलादें दी हैं हम उन्हीं को पाल लें अच्छे से, वही अच्छी बात है। सिर्फ बेटी के शौक में जो है वो और बेटे इकट्ठे कर लें तो पता तो नहीं होता ना। तो इस वजह से अल्लाह ने जो औलादें दी हैं बस उसको अच्छे से पाल लें, तो उसी में हमारी कामयाबी है। मेरे साथ तो फुल ऑन कारमा हो गया। एक्चुअली जब मैंने पीटा ब्रेड बना ली और ये लोग कहते हैं अभी भूख नहीं है भूख नहीं है, तो अच्छी तरह से वो ठंडी होगी ना तो कहते हैं अब भूख लग रही है तो मैं फ़िश बनाने खड़ी होगी। तो मैंने इन्हें पहले ही बातें सुनाई कि अब जब मैं फ़िश बनाऊंगी गरम गरम फ़ौरन खा लेनी है, ये ना हो कि फ़िश भी ठंडी कर दें। तो कहते हैं ठीक है। अच्छा, फ़िश मैंने बनाई है और मैं बना के जनाब बाहर लेके आई हूँ। डेकोरेट करने में खैर 2 मिनट लगते हैं, वो भी मैंने कर ली है। तो उसके बाद मुझे याद है कि ओहो मैंने तो ड्रिंक बनाना था। अच्छा जी, भागे जूस लेके आए वाटरमेलन का, अच्छा जी ये लेके आए वो लेके आए, तो उसमें और देर लग गई और एसी चले होते हैं जिस वजह से फौरन से सारा कुछ ठंडा हो जाता है। तो फिर वही बातें मुझे सुननी पड़ी, लिटरली मेरे साथ कारमा हुआ और शहजाद ने और तिहामी ने इस वक्त फिर साथ साथ में काम कर रही थी और साथ साथ मेरी बेइज्जती हो रही थी। ये है जी हमारी डिश की फाइनल लुक। मैंने पहले ये जो मिंट और पुदीना था ना उसकी थोड़ी थोड़ी सी पेस्ट लगाई है और उसके ऊपर मैंने फिर ये फिश रखी है और साथ में प्याज और धनिया से उसको डेकोरेट कर दिया। और ये है हमारा वाटरमेलन पंच, कितने मज़े का लग रहा है और ये बहुत टेस्टी है। बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म का मेन्यू हो गया था। नॉर्मली गर्मी में फिश खाने का दिल नहीं करता, लेकिन जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े से सबने खा लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी ये आप लोग की आप बैठ गए जैसे रहते हैं। और बात है, यू वांट ड्रिंक? यस, बट आई सेड इन बाबा सी। नो, दैट्स बाबा सी। तो इन्होंने सी फीड मी। चेक करके थैंक यू। कैन आई ईट द फिश येट? मैंने बहुत अच्छा सर्व किया है। मामा, मामा।
तो इतनी मेहनत करने के बाद मिस्टर तिहामी ने कर दिया रिफ्यूज़ और उसने कहा कि नहीं, मैंने नॉर्मल तरीके से ही फ़िश खानी है, क्योंकि आपने इसके ऊपर धनिया पुदीना की पेस्ट लगा दिया तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो भी मैंने उसे बोला कि बेटा मैं आपको ऐसे ही बना देती हूँ, तो कहता है वो मैं खुद ही रख के पीता के ऊपर खा लूँगा। तो खैर ये मैंने शहजाद नहीं फिर खानी थी। बच्चे बहुत पिकी होते हैं, हालांकि मेरे बच्चे माशाल्लाह से अब उतने पिकी नहीं हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि एकदम से इनकार कर देंगे। यही अगर इसने देखा ना होता कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, तो फिर इसने खा लेना था। तो खैर जी, अब हग्स का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। मुझे बारी बारी हगियाँ मिल रही हैं दोनों बच्चों से, तिहामी से भी और मिशारी से भी। तो चले जी, इसके साथ ही हम लोग फिर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद हमारा प्लान था थोड़ा सा बाहर निकलें, क्योंकि बिल्कुल तिहामी बर्न आउट हो गया था पढ़ पढ़ के। और हाँ, अमेज़ॉन के लिए आपने बिल्कुल मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बम्बार्डमेंट कर दी थी, तो इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियोस के बाद मैं आपके साथ अमेज़ॉन की सारी डिटेल शेयर करूँगी। सो वीडियोस को देखते रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। चलिए जी, वीडियो को मैं एंड करने लगी हूँ। अभी बर्तन भी समेटने हैं, शहजाद हेल्प करा रहे हैं, और आज शहजाद ने तिहामी को मैथ्स कराया था और आज मैं फ्री थी। सो मैंने खाना अच्छे से बनाया और अभी हम लोग ना बाहर निकलने लगे हैं ड्राइव करने के लिए, और हमने बस नॉन स्टॉप ड्राइव करते जाना है और बस यही करना है आज, क्योंकि बच्चों के ना पेपर्स हैं तिहामी के आगे मंडे से, तो इस वजह से ना हम कुछ थकने वाला काम करना नहीं चाह रहे। हमने बस नॉन स्टॉप ड्राइव करने है, गुड़िया ने गाड़ी ले ली और गुड़िया ने लाइसेंस के ले लिया, गुड़िया नॉन स्टॉप ड्राइव करती जा रही है। ये कौन बोल रहा है पीछे से? देखिए अंदर अंदर की खबरें दे रहे हैं। तो खैर मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है बाय द वे यहाँ का, तो मैं भी क्या कर रही हूँ कि जो फिश वाला मसाला है ना, इसको ये थोड़ा सा बच गया, तो आधा किलो किसी भी कीमे या चिकन या मीट के लिए यूज़ हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना फ्रीज कर दूँ, शहजाद ने आइडिया दिया है कि इसको फ्रीज कर लो। तो हाँ, तो मैं क्या करूँगी कि 1-2 दिनों तक ना वो कीमा लेके ना चिकन का, तो उसमें ये मिक्स करके तो मैं कबाब बना लूँ। अभी हम आए हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, राउंड लगा के आए हैं, और ये शहजाद ले रहे हैं चना चूर, बनाना, और मैं क्या ले रहा हूँ, मैं लेने की हूँ ये बहुत अच्छे के बाद, इससे मैं अपने लिए राइस पफ सीरियल बनाऊंगी कल इंशाल्लाह। ये चेक करें क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत क्या हो रहा है।